हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चलने वाले अपनी स्कूटी की सर्विस कराने, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं। अक्टूबर में मुझे सर्विस सेकेंड वाली करानी थी अपनी स्कूटी की, बट अभी जो है 11 जनवरी आ गया आज। तो अभी मैंने फ़ोन किया था JB होंडा, जहाँ से मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको जो है ये सर्विस पेड होगी, क्योंकि जो थर्ड सर्विस है मेरी वो होगी आपकी अप्रैल में, तब वो फ्री होगी। बट फर्स्ट सर्विस में मैंने 700 रुपये के आसपास पे किए थे, और अभी सेकंड सर्विस में पता नहीं कितना चार्ज होगा, वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ध्यान रखना जब भी आप स्कूटी ले रहे हो, तब जहाँ से भी ले रहे हो। जब मैं ख़रीद रहा था तो उस बंदे ने मुझे बोला था 5 सर्विस आपकी जो है फ्री होंगी। अभी मैंने बात की तो कहा सिर्फ और सिर्फ 3 सर्विस ही फ्री होती हैं, वो आपको उस तरह से बिल्कुल भी जो है अटेंशन अपनी नहीं देंगे। जिस तरह से आप स्कूटी खरीदते टाइम जो है आप जाओगे तो उस तरह से बात करते हैं, बहुत ही एकदम पूरी तरह लोग चेंज हो जाते हैं। तो ये कमीने लोग होते हैं, इन लोगों से हमेशा जो है उसी तरह से बात करनी चाहिए, उसी तरह से डील करनी चाहिए। तो कोई नहीं, हम पे जो है करा लेंगे, कोई बात नहीं, 300-400 का ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ेंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे। और अभी मैंने बात की तो फिर आज अभी कर देंगे, बेड़ा बज रहा है, 2:45 हो रहा है, तो 3 बजे तक पहुँच जाएंगे, 10-15 मिनट लगते हैं, उसके बाद दे देंगे स्कूटी। और मैं 2 घंटे तक क्या करूँगा, डंकी लगी है, देखने गया नहीं था, तो वो मूवी देख लेंगे तब तक, और देखते हैं कैसा है स्कूटी का एक्सपीरियंस रहता है सेकेंड सर्विस के बाद, और मूवी का भी एक्सपीरियंस जो है वो हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपना, सबसे पहले चलते हैं। सो गाइस, मैं नीचे आ चुका हूँ अपनी स्कूटी के पास, और ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, और इसको चलिए लेके चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। गंदी होने के साथ साथ गाइस यहाँ पर ये चल चुकी है 4705 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर जो है सोचा था 5000 किलोमीटर चला चुका होऊंगा तब कराऊंगा, बट ऐसा नहीं, पहले हमें करानी पड़ रही है। तो चलिए चलते हैं, और कंडीशन इसकी काफ़ी गंदी है, बाहर लेके चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई ये स्कूटी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी जो है ज़्यादा गंदी हो गई, काफ़ी टाइम से जो है मैंने इसको कराया नहीं सर्विस, और वॉश भी नहीं कराई काफ़ी टाइम से। सो ये सब डीले हो गए हैं, थोड़ा सा मडगार्ड में प्रॉब्लम हो गई है काफ़ी। तो अब चलते हैं गाइस, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं JB होंडा के सर्विस सेंटर में, और अपनी स्कूटी देते हैं और पूछते हैं क्या सीन रहता है, क्या कुछ चार्जेस रहते हैं, सब आपको भी पता चलने वाला है। गाड़ी मैंने जमा करा दी है अपनी, और सारे पेपर वगैरह सब रख दिए, और अब चल रहे हैं मूवी देखने। पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं पिछली बार आया था तो 750 रुपये लगे थे, अभी जो है 1250 रुपये लगेंगे, करीब 650 रुपये एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पर पे करने पड़ रहे हैं, 660 रुपये वो मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो आप लोगों से ये नहीं चाहूँगा, टाइम पर सर्विस कराना ज़्यादा बेहतर है, 650 रुपये एक्स्ट्रा देना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अगर ऐसा मुझे पता होता 650 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाले तो यहाँ पर जो है मैं पहले ही आ जाता। मैंने सोचा था तीसरी सर्विस है मैं पहले क्लेम कर लूँगा, बट इन्होंने कहा कि अभी ऐसा नहीं हो सकता, टाइम पे ही होगी, मतलब अप्रैल में, तो अप्रैल में आपको तीसरी सर्विस करानी पड़ेगी। तो ये सीन है यहाँ पे। तो अभी मैंने स्कूटी जमा कर दी है, और अब चलते हैं मूवी देखने, और 2 घंटे का टाइम लगेगा तब तक मूवी भी खत्म हो जाएगी। तो रहेंगे पिछले ही चलते हैं। एनिमल देखने आया था तब भी का ये पोस्टर जो है लगा हुआ, करीब 1 महीना हो रहा है और अभी भी लगा हुआ है। और यहाँ पर जो टॉप के पोस्टर्स हैं वो सलार के हैं, और जो 12 जनवरी को आने वाली है वो एक और है, और हनुमान का लगे है, डंकी का पोस्टर हट चुका है। सो चलते हैं अपना डंकी के जो है अपने टिकट्स लेते हैं, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पता दोस्तों कोई भी नहीं है, पर टिकट हमने ले ली, फ़ोन में आ चुकी है, 3:30 बजे का शो है। चलते हैं देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और 6:45 पर ख़त्म होगी, करीब 7 बजे में निकलूँगा, बहुत टाइम है ना अभी, देखते हैं। और गाइस अटल का जो पोस्टर है वो वहाँ पर लगा हुआ है, जो कि 19 जनवरी को जो है सिनेमा में आने वाली है। बाकी कुछ इस तरह से जो है यहाँ का इंटरफेस रहता है नारायण का। सो चलते हैं। तो गाइस इनका कुछ कॉम्बो भी था, 150 रुपये में कुछ एक्स्ट्रा मिला था, तो मैंने जो है ले लिया था। और OD1 पे आ चुके हैं हम, और अभी गेट नहीं खुला यहाँ पर, तो वेट कर रहे हैं। 3:31 हो ही चुका है, और कैसे एंट्री मिलेगी चलते हैं।
पूरी देखी नहीं है, फ़ोन आ गया है कि मेरी गाड़ी जो है वो सर्विस हो चुकी है और कुछ प्यूरीफायर करके बोले तो वो ख़राब हो गया, 250 रुपये और लगेंगे। ये सब चीज़ें जो है होना शुरू हो जाती हैं आपके साथ अगर आप टाइम पर सर्विस नहीं कराते हैं। सो जो गलतियाँ की वो मैं आप लोगों तक बता रहा हूँ, ताकि आप ना करें। और मूवी मैंने छोड़ दी, अभी इंटरवल ही हुआ था, इंटरवल से पहले ही मैंने जो मूवी छोड़ दी, फिर कभी देख लेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि अभी 5:30 बजे उनका ऑफिस भी बंद हो जाएगा। तो चलते हैं, अपनी स्कूटी लेते हैं और चलते हैं। कुछ ऑफर चल रहा था तो मैंने ये ख़रीदा था, तो इन लोगों ने अपना ये ऑफर मैंने जो दिया पॉपकॉर्न बनाने के लिए घर पे, तो घर तो मैं इसको जो इन्जॉय करूँगा। और नेटफ्लिक्स पे आएगी ये मूवी, तब देख लेंगे। लेकिन अब आगे से अपनी स्कूटी और जो है टाइम पे मैं सर्विस कराऊंगा, ताकि मुझे एक्स्ट्रा फालतू के जो चार्जेस हैं वो ना पे करने पड़े। आप लोग भी ध्यान रखिएगा गाइस। तो गाइस स्कूटी हमने ले ली है और पूरी तरह से अच्छे से सर्विस हो गई है। चलिए आप लोग देखिए कि कैसे चमचमा रही है अभी। सो गाइस ये अपनी स्कूटी सही से एकदम साफ सुथरी जो है दिख रही होगी आप लोगों को। और यहाँ पर जो बिल वैसे बना था करीब जो है 1400 रुपये के आसपास, बट 1090 रुपये ही हमें पे करने पड़े, डिस्काउंट मिल गया 15% जो भी कह रहे थे, और सब कुछ सही है। बट मेरी गलती ये है, मैंने पता नहीं किसको दी थी उस दिन, तो ये स्क्रैचेस जो है काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और वो बंदा बताने को तैयार नहीं है कि मेरे हाथ से स्कूटी गिरी है। अब मेरे से लगी है या उससे लगी है मुझे कुछ पता नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको स्क्रैचेस वगैरह जो है वो देखने को जो है मिल रहे होंगे। सेकंड चीज़ यहाँ पर ये चीज़ जो है वहाँ पर जो पता नहीं किसने इसको दबा दबा के ख़राब कर दिया, सही से ये प्रेस नहीं हो रही थी, तो इसमें भी दिक्कत हो गई है। आगे यहाँ पर हल्के फुल्के ये जो है देख सकते हैं आप लोग, डेंट वगैरह लग गई है, यहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें जो है यहाँ पर भी हल्की हल्की सी जो हैं। तो अब धीरे धीरे इसमें ये सब सिलसिला चालू हो गया है और ये सब लगता जो है रहता है, पता नहीं कब तक रहेगा। और बाकी सब चीज़ें अभी ठीक ठाक हैं, बटन्स वगैरह सब परफेक्टली काम कर रहे हैं अपने, सब कुछ ठीक कर दिया अभी तो। यहाँ पर मैंने चेक भी किया है अभी थोड़ा सा, और 4710 किलोमीटर जो अपनी स्कूटी है वो कंप्लीट जो है वो चल चुकी है। और यहाँ पर जो है बाकी ठीक ठाक हैं, हल्के फुल्के से डेंट्स जो है यहाँ पर लगे थे, एक बार जो है बंदे ने गिरा दिया था, तो यहाँ पर हल्के फुल्के से डेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे, बाकी सब ठीक है। और बैक साइड में यहाँ पर जो मैंने लोगो लगाया था ये इन्होंने नहीं साफ़ किया सही से, तो ये हम घर पे अपना टेपिंग वेपिंग से जो है साफ़ कर लेंगे या लगा देंगे कुछ। और बाकी सब गैस जो है ठीक ठाक है अभी तो फ़िलहाल। और अब आपको बहुत दिनों से मैंने स्कूटी का अपना डिग्गी नहीं खोला है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सब अंदर से भी साफ़ कर दिया है भैया ने और सब कुछ ठीक ठाक जो है अभी लग रहा है यहाँ पर। और जो हमें थर्ड सर्विस करानी है वो करानी है, लास्ट डेट है उसकी 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल से पहले पहले मैं ज़रूर आऊँगा अपनी सर्विस कराने, नहीं तो हमें 250-300 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो और पे करने पड़ जाएंगे, तो वो चीज़ मैं करना नहीं चाहता। इस बार अपना टाइम से अपनी स्कूटी की सर्विस करा लूँगा, आप भी अपनी स्कूटी की टाइम से सर्विस कराएँ ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है वो पे ना करने पड़े। सो ये अपनी स्कूटी, और अब देखते हैं इसका जो है कितना माइलेज मिल रहा है। पहले अपनी जो मुझे माइलेज मिलती थी इसमें वो मिली थी 35 से ज़्यादा कभी नहीं मिली, 30-35 के बीच में ही एवरेज जो इसका रहता था। अब इसकी जो है सेकंड सर्विस हो चुकी है, तो देखेंगे कितना माइलेज मिलता है, वो सब मैं आपको जो है आने वाले व्लॉग्स में बता दिया करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, और अपनी इस होंडा एक्टिवा 125 से कोई रिलेटेड सवाल सुझाव है तो आप नीचे कॉमेंट्स में हमें जो है पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और अभी तो ठीक ठाक है सब कुछ, 4710 किलोमीटर से चल चुकी है, और 3 महीने के बाद मुझे आना है, अभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में मैं जो है आ जाऊँगा। देखते हैं 3 महीने में कितना क्या मैं चला देता हूँ इस स्कूटी को, और फिर मैं आपको बताऊँगा। बाकी अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है होंडा एक्टिवा का, बहुत बेहतरीन है, बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, काफ़ी अच्छी स्कूटी जो है चल रही है, कोई प्रॉब्लम जो अभी तक नहीं है। एक आध बार पंक्चर हुई थी तो वो मैंने ठीक करा लिया था, बाकी कोई दिक्कत जो है इस स्कूटी से नहीं है। बात करें इसका एक्सपीरियंस कैसा है इन लोगों का, तो वो भी सब ठीक ठाक ही है। अब आप सही से बात करो इनसे, क्योंकि आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, जब ज़्यादा उम्मीदें रखते हो तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये उतने उस लायक है नहीं और उतना जो है आपको वो देने की कोशिश करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एक ही टोन में बात करते हैं, तो वो इस तरह से एक्सपीरियंस आपको हर सर्विस सेंटर में देखने को मिलेगा। तो मैं भी ज़्यादा मुँह लगा नहीं, अपना काम से काम किया, पैसे पे किए, बात ख़त्म। सभी स्कूटी लेके घर जा रहा हूँ, और मूवी जो डंकी है वो नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी कुछ टाइम के बाद, तब मैं देख लूँगा।
क्योंकि वो मूवी ख़त्म होगी 7:15 और अभी बज रहे हैं 5:30, तो अभी 2 घंटे लगेंगे ना उस मूवी को, 1 घंटा पूरा लगेगा, तो 1 घंटा मेरे पास आई नहीं, जा रहा हूँ घर और घर पे एंजॉय करेंगे। बाकी गाइस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी और व्लॉग अपलोड करने की। मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। सो दोस्तों घर आ गया हूँ मैं और ये PVR जो है की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था, 99 रुपीज़ का फ्री पॉपकॉर्न है, इसको मैं बनाऊँगा फिर कभी इन्जॉय करूँगा और फिर मिलेंगे किसी और नए व्लॉग में। देखने में तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है और देखेंगे कैसी क्वालिटी के साथ ये जो है बनता है। गुड बाय।